मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली से लेकर समूचे उत्तर भारत में पहली बार सीजन का घना कोहरा देखा गया, जो सुबह काफी देर तक रहा। कपकपी ठंड के साथ सर्द हवाएं भी बढ़ी हैं। बीती रात से ही विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई थी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक कोहरे की मार देखने को मिल रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शीत लहर पर येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली, यूपी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में शीत लहर चलेगी। दिल्ली एनसीआर, यूपी और पंजाब हरियाणा में पूरे हफ्ते घने कोहरे का अलर्ट है। तापमान में अचानक आई गिरावट से कई जगह अलाव जलना शुरू हो गए हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भारत के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में शीत लहर की स्थिति जारी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री होगा। कोहरे और धुंध की वजह से कई जगह विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान के अनुसार सुबह 5:30 बजे दिल्ली के सफदरगंज इलाके की विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई, वहीं भटिंडा में 0 विजिबिलिटी रही। अमृतसर, गंगानगर, पटियाला, दिल्ली के पालम और लखनऊ में 25 मीटर दर्ज की गई है। अंबाला और आगरा में 200 मीटर, गोरखपुर में 300 और बरेली, पटना, गया और कोलकाता में 500 मीटर दूरी तक ही विजिबिलिटी दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे की बात करें तो स्काईमेट वेदर के मुताबिक यूपी, पंजाब और बिहार में कई जगहों पर घना कोहरा दिखाई देगा। दिल्ली और हरियाणा में भी मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल, यूपी, पंजाब और बिहार में शीतलहर बरकरार रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने का भी अनुमान है। बाकी देश के कई हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। बढ़ते ठंड और कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने बताया है कि सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों से निचले क्षोभ मंडलीय स्तरों पर नमी और मंद गति की हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सुबह और रात के दौरान कई इलाकों में अगले 3 दिन के दौरान घना कोहरा, जबकि चौथे और पांचवें दिन बहुत अधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।